पीछे मिर्ची है, उधर टमाटर और ये सोयाबीन। और ये पीछे देखिए मेरी माँ, पत्नी। चलो गार्गी को पास से मैं आपको दिखाता हूँ। नारायण 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 नारायण, सब मित्रों को राम राम। दोस्तों आप देख सकते हैं अभी मैं हमारे खेत में आया हुआ हूँ। देखिए अभी यहाँ पर बहुत तेज़ हवा चल रही है, इस कारण से आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है। मैं पहले ही आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये अभी टमाटर का हमारा खेत है। मैं एक बार आपको सामने से दिखाता हूँ, सामने वाला कैमरा ये देखिए। अभी मैं पास से अगर आपको टमाटर दिखाऊँ कितने बड़े हो गए हैं, तो ये देखिए, ये देखिए, आप देख रहे हैं। थोड़ा सा और दिखा, ये आप टमाटर देख सकते हैं। और ये अभी आप देखिए सामने, आप देख सकते हैं। और थोड़ा मैं पास पे, ये देखिए, अभी करीब 15 दिन और लगेंगे टमाटर निकलने में। जब निकलने का समय आएगा तब भी मैं आऊँगा, दोबारा आपको दिखाऊँगा टमाटर निकलते हुए। पिछली बार मतलब करीब 1 या 1.5 वर्ष हो गया, तब भी जब टमाटर निकाल रहे थे तब मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाया था। उस समय तो बिल्कुल भी मार्केट में कोई रेट नहीं था, मतलब लगभग पिछली बार जब मैं आया था तो 55-60 रुपए कैरेट चल रहा था रेट, केवल कैरेट 20 किलो का 55-60 रुपए। और अभी आप देखिए मार्केट में कितना रेट है टमाटर का। अभी 15 दिन बाद पता नहीं कितना रहेगा, हो सकता है कि तब तक भाव थोड़ा नीचे आ जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे किसानों के टमाटर निकलने लग गए हैं। तो इस कारण से आने वाले कुछ हफ्ते भर में या 10 दिनों में रेट थोड़े नीचे आ जाएंगे। अब 15 दिन बाद हमारे ये टमाटर निकलेंगे, तब तक पता नहीं कितना होगा मार्केट में रेट। हालांकि ज़्यादा कुछ कम होगा ऐसा तो लग नहीं रहा, पर देखते हैं। उस समय में दोबारा हो सके तो, पॉसिबल हो सके तो वीडियो अवश्य बनाऊँगा। एक मिनट, ये यहाँ पर तार वगैरह सब लगी हुई है अभी, इस कारण से थोड़ा चलने में। या आप देखिए पीछे पूरा ये टमाटर का खेत है, ये देखिए आप ये पूरा जो देख रहे हैं सब टमाटर टमाटर हैं। अभी कुछ महीने पहले किसान टमाटर सड़क पर फेंक रहे थे क्योंकि कोई रेट ही नहीं था। आप कल्पना करिए 50 रुपये कैरेट, मतलब 20 किलो का कैरेट होता है, वो अगर 50-60 रुपए में जा रहा हो या 100 रुपए में भी अगर जाए, उसमें से 25 रुपए तो जो टमाटर तोड़ते हैं एक कैरेट के वही ले लेते हैं, उतने 25 रुपए 20-25 रुपए। और जो मार्केट ले जाते हैं गाड़ी वगैरह, उसमें भी एक कैरेट के वे 25 रुपए के करीब लेते हैं। इस कारण से कुछ दिन महीने पहले कई सारे आपने वीडियोस भी देखे होंगे, टमाटर किसान सड़क पर फेंक रहे थे। और अभी आप देखिए कितना रेट चल रहा है, और आने वाले एक हफ्ते में बहुत सारे किसानों के अभी टमाटर निकलने लग जाएंगे अगस्त के पहले हफ्ते में। तो उसके बाद में फिर मार्केट का जो रेट है वो अपने आप नीचे आएगा। और ये पीछे आप देख रहे हैं ये मिर्ची है, यहाँ पर पास में, अगर पास से मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, ये देखिए ये मिर्ची लगी हुई है, ये आप नीचे देखिए, और देखिए ये देखिए ये सब मिर्ची। पास में अगर मैं आपको करके दिखाऊं, ये देखिए, तो मिर्ची ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, ये आगे ये सारा टमाटर है, ये जो आप देख रहे हैं ना पूरा लगा हुआ, ये देखिए ये इधर तक, वो पूरा दूर तक सारा टमाटर है। ये सोलर पैनल लगे हुए हैं जिससे बिजली बिल्कुल भी नहीं लगती। और ये मिर्ची है, ये सामने भी मिर्ची है, ये देखिए ये पूरा इधर मिर्ची है। और उधर सामने आप देखेंगे तो मेरे पिताजी है, माँ है, पत्नी है, और गार्गी मैं आपको और पास से दिखाता हूँ। ये देखिए गार्गी, गार्गी
ए गार्गी, राम राम कर, राम राम। यहाँ पर बारिश हो रही है ना, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा पीछे करता हूँ। चलिए, तो ये मिर्ची है, आप देखिए, ये यहाँ पर इतनी इतनी ही मिर्ची है। और कुआ, ये देखिए पानी कहाँ तक है, आप देख लीजिए, काफ़ी नीचे है पर है पानी। अभी बारिश हमारे यहाँ पर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अभी भी ये जो चल रही है बस ऐसे ही बुरबुर ही चल रही है। ज़्यादा नहीं है, छींटे छींटे जैसा बस। ज़्यादा पानी, अभी बारिश यहाँ पर आई नहीं है। हमारे यहाँ की जो नदी है वो तो अभी भी सूखी है। ये मिर्ची, और मिर्ची के आगे अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा आपको और आगे लेकर के चलता हूँ। वहाँ पर अभी हमने इस बार केसर आम लगाए हैं का, मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ। थोड़ा कीचड़ कीचड़ है सब, कोई बात नहीं। हाँ, ये देता हूँ। और ये देखिए, ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, वो आगे टमाटर, ये मिर्ची, और इसके बाद ये है सोयाबीन। ये देखिए, अभी ये केसर आम आप देख सकते, देखिए ये आम की पूरी ऐसी लाइन है जो अभी लगाए हैं, जिन्हें बस एक महीना ही हुआ है आम लगाकर। तो ये 10-10 फीट को छोड़कर ये पूरा आम का बाग यहाँ पर लगाया है। और वो अभी आम तो बड़ा छोटा ही है अभी, तो उतने समय में बीच में यहाँ पर अभी सोयाबीन भी लगाई हुई है। और ये किनारे किनारे पर सब नारियल के पेड़ लगाए हैं, इस साइड भी, उस साइड भी, और सामने भी। और बीच में ये सारे आम हो जाएगा अभी अगले वर्ष तक, बड़ा हो जाएगा। मैं अगले साल आपको आकर दिखाऊंगा जब आम बड़े हो जाएंगे, तो ये तब तक बीच में सोयाबीन वगैरह और भी दूसरा कुछ भी फसल है, वो एक दो फसल और आ जाएगी उस बीच में। ये पीछे देखिए मेरी माँ, पत्नी, चलो गार्गी को पास से मैं आपको दिखाता हूँ। नमस्ते करा। नमस्ते। गार्गी, तू राम राम नहीं केले सगळ्यांना, सगळ्यांना राम राम करा। गार्गी राम राम कर सगळ्यांना, बघ बघताय काका तुला, हे बघ, अरे व्हिडिओ मध्ये काका बघताय तुला, पटकन राम राम कर। अरे इकडे बघून कर ना, सगळे बघताय। गार्गी, ऐ गार्गी। इकडे बघ ना, ऐ गार्गी, इकडे बघ, हे बघ हे बघ हे बघ, हे काय म्हणते बघ, माझ्या हातात काय बघ। और ये मेरे पिताजी है, आप देखिए, इकडे बघ। राम राम। तो चलिए दोस्तों, अभी बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, कैमरे पर पानी भी जम गया है। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद आज वीडियो के साथ जुड़ने के लिए। और आपको हमारा खेत कैसा लगा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।